की बात करने वाले क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद संसद में जिस तरह से गला फाड़ करके बोल रहे थे, बिहार में वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आप ही हैं ना जिसने कहा था पान की दुकान खोल लेंगे लेकिन राजद से नहीं मिलेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संसद में कार्रवाई के दौरान जिस तरह से अपनी बातों को रखा, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं बिहार में इसका असर भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह को याद दिलाते हुए कहा कि कभी उन्हें अपने क्षेत्र की भी बात कर लेनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से ललन सिंह कहते थे कि हम कभी भी राजद से गठबंधन नहीं करेंगे और आज उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं। वहीं आगे क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का, हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने ललन सिंह पर खासतौर से कटाक्ष किया। बात करने वाले क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद संसद में जिस तरह से गला फाड़ करके बोल रहे थे, बिहार में वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आप ही हैं ना जिसने कहा था पान की दुकान खोल लेंगे लेकिन राजद से नहीं मिलेंगे। समाज के मान सम्मान के लिए हम पेट का दांत गिनने वाले लोग हैं, समाज को अपमानित नहीं होने देंगे। मुजफ्फरपुर में नरसंहार हो गया, चार चार लोग मारे गए, एक आवाज नहीं निकली। दलित की बेटी की बेगूसराय में चीरहरण हुआ, वस्त्र को तार तार कर दिया, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार, दर्जनों मौत। कहां गई लोकलज्जा? बिहार सरकार पर क्यों नहीं लोकलज्जा की पाठ पढ़ाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्यों सिद्धांत से समझौता करके जिस जंगल राज के विरुद्ध आए थे उसी से समझौता करके आज मूक और बधिर बन करके राजनीति कर रहे हैं? क्यों नहीं लोकलज्जा की पाठ पढ़ाते हैं? पहले इस लोकलज्जा और संविधान विरोधी हो रहे कार्य पर क्यों मौन है? बिहार के अंदर पूरी अराजकता, लाठी गोली की सरकार है। जो शांति के साथ आंदोलन करे उस पर लाठी बरसाइए। भागलपुर की घटना में किस तरह से निंदनीय कार्य किया गया है, आज क्या हो गया है बिहार सरकार को? ये गोली की सरकार लाठी तंत्र लगाने वाले संविधान का खुल करके उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों नहीं ये पाठ जंगल राज के उस पुरोधा को सिखा रहे हैं? जरा उनको भी लोक लज्जा बता दीजिए। राज के विरुद्ध आए थे उसी से समझौता करके आज मूक और बधिर बन करके राजनीति कर रहे हैं? क्यों नहीं लोक लज्जा की पाठ पढ़ाते हैं? पहले इस लोक लज्जा और संविधान विरोधी हो रहे कार्य पर क्यों मौन है? बिहार के अंदर पूरी अराजकता, लाठी गोली की सरकार है। जो शांति के साथ आंदोलन करे उस पर लाठी बरसाइए। भागलपुर की घटना में किस तरह से निंदनीय कार्य किया गया है, आज क्या हो गया है बिहार सरकार को? ये गोली की सरकार लाठी तंत्र लगाने वाले संविधान का खुल करके उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों नहीं ये पाठ जंगल राज के उस पुरोधा को सिखा रहे हैं? जरा उनको भी लोक लज्जा बता दीजिए।